अगर आपके पास कोई भी आईफोन है और उसमें मोबाइल डेटा ऑन होने के बाद भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक ट्रबल शूट कर लें। नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लाएं और यहाँ पर आपको अपने फ्लाइट मोड को एक बार ऑन करना है यहाँ से, एंड इसे वापस से ऑफ कर लेना है। 70% लोगों की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाती है और यहाँ पर देखिए इंटरनेट चलने लग जाता है। बट अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप चेक कर लें, जो आपको रोज़ का 1.5 GB डेटा मिलता है कहीं वो तो ख़त्म नहीं हो गया है। चेक करने के लिए अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो माई जियो ऐप, या फिर एयरटेल का सिम कार्ड है तो एयरटेल थैंक्स, और ऐसे कोई और सिम कार्ड है तो उसकी भी एप्लीकेशन होती है। नहीं तो आप 198 पे कॉल करके भी चेक कर सकते हैं आपका कितना डेटा बचा है। ठीक है, ये करने के बाद अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आईफोन की सेटिंग्स में चले जाएं और यहां पर आपको मोबाइल सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर एक ऑप्शन है मोबाइल डेटा ऑपरेशन ऑप्शंस का, इस पे क्लिक करें। देखिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी सिटी में नहीं है, सिटी से बाहर है, तो डेटा रोमिंग जरूर ऑन करें। डेटा रोमिंग ऑफ रहेगी तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद वॉइस एंड डेटा पे आए। अब देखिए इंडिया में बहुत जगह पर 5G बराबर तरीके से रोल आउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको 5G पे नहीं रखना है, LTE पे रखना है, क्योंकि LTE पूरे इंडिया में आपको मिल जाएगा 4G नेटवर्क, बट 5G हर जगह नहीं है इसलिए इंटरनेट नहीं चलता है। ये करें, ये करने के बाद आप ट्राई कर लें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आखिरी तरीका बचता है। फ़ोन की सेटिंग्स में आएं, सर्च के ऑप्शन पे आए, यहाँ लिखे रीसेट। डरिए मत, कोई भी फोटो वीडियो डेटा डिलीट नहीं होगा, जो मैं बताऊंगा बस वो करिए। रीसेट लिखने के बाद यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें एंड नीचे आपको रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पर है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, यहाँ से रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स कर लें, ये वाला ऑप्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लें, एंड इसके बाद डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।